स्ट्रीटवेयर मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं और हमारे इस माध्यम से मैं सभी जो शहीद हुए हैं और वीर जवानों को श्रद्धांजलि देती हूं। और हमारे साथ आज उपस्थित है एजुकेशन गाइड में एक्सोटिक एजुकेशन गाइड में हमारे साथ उपस्थित है ज्योतिर्भाई पंड्या जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल है मालिबा एजुकेशन एकेडमी के यूटीयू बारडोली से। आपका स्वागत करती हूँ सर हमारे स्टूडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द 10th और 12th की बोर्ड की जो एग्जाम्स आने वाली है उसके बारे में हम जो भी स्टूडेंट्स है उनको आज हम गाइड करना चाहेंगे। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, एग्जाम के दौरान क्या करना चाहिए और एग्जाम का जो फीवर होता है सबको और एक भय रहता है कि भाई एग्जाम है हम कैसे पेपर लिखेंगे, कैसे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। सो ये सब चीजों के लिए हमने आज ज्योति भाई को यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ है। सो ज्योति भाई सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जो हमारे ये सब्जेक्ट है हमारी जो सीरीज चलने वाली है पूरे वीक चलेगी है और एक्सोटिक एजुकेशन गाइड के अंदर हम 10th और 12th के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज भी हम स्टूडेंट्स को जानकारी देंगे। जैसे बहुत हैवी सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट मेरे ख्याल से हैवी होते हैं जो उनमें सभी बच्चों को इतनी घबराहट सी होती है कि भाई हम लोग कैसे पेपर लिखेंगे, कैसे हमारे मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। तो आपसे मैं सब जानना चाहूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए एग्जाम का, तो उसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को और हमारे स्टूडेंट्स को। गुजरात बोर्ड में और लगभग सीबीएसई में 7th मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो 7th मार्च मतलब कि ये मंथ फरवरी में 7 दिन और अगले 7 दिन, अभी 14 दिन हमारे पास है। 14 दिन है जो 10th वाले हैं बोर्ड वाले उनमें 7 सब्जेक्ट्स हैं लेकिन 4 मेजर और 3 जो इजी सब्जेक्ट्स हैं 7+3 मतलब 4 को अगर मान लेते हैं तो 4, 3 या 12 मतलब अभी हर एक सब्जेक्ट के लिए उनके पास 3-3 दिन और अभी भी है जी। उनमें काफ़ी कुछ वो कर सकते हैं। और अगर 12th कॉमर्स की बात करते हैं तो उनमें भी 7 सब्जेक्ट होते हैं जी। वहाँ पर भी 4 मेजर है और 3 इजी सब्जेक्ट्स हैं। एसएससी एचएससी के बाद में साइंस की बात करते हैं तो उनमें 5 सब्जेक्ट्स हैं तो इनमें 3+2 मतलब कि 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो 3, 4 या 12 मतलब अभी सबके लिए 4-4 दिन और तैयारी करने के लिए बाकी है। तो अगर इस हिसाब से सोचते हैं तो वो आराम से ये अभी भी काम कर सकते हैं, जो कुछ बाकी है वो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं जी। खास करके एग्जाम का शेड्यूल जो है तो एसएससी बोर्ड का शेड्यूल मॉर्निंग शेड्यूल है और एचएससी बोर्ड का शेड्यूल आफ्टरनून है जी। तो उनको अपने आज से अपने दिन को इसी तरह से शुरुआत करनी चाहिए जी। मतलब कि जो बोर्ड का पेपर का टाइम है वही टाइम पर हर रोज इतने दिनों में एक पेपर अगर वो लिखते हैं जी। और मिनिमम ऐसे लगभग 7-7 पेपर अगर वो हर सब्जेक्ट मेन मेजर सब्जेक्ट में कर लेते हैं जी। तो आराम से एग्जाम वो कर सकता है जी। बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ पीना ठक्कर भी जुड़ी हुई है। पीना जी आपका भी स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और पीना जी थोड़ी सी बात करेंगी हमारे ज्योति जी के साथ लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले हम बात करेंगे अभी ज्योति जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जो एग्जाम के दौरान जो बच्चों को तैयारी करनी चाहिए वो आपने जो बताया वो सही बात है कि ऐसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, बट एग्जाम का शेड्यूल जो है वो कैसे होना चाहिए वो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। स्टूडेंट्स में अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर कोई भी आपको प्रश्न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो जरूर हमारे ये फेसबुक लाइव के अंदर जो इनबॉक्स है उनके अंदर आप मैसेज लिख के भेज सकते हैं तो जरूर से हम आपको उसका आंसर देंगे। और बाद में भी आप हमारे YouTube और वेबसाइट पे भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। सो प्लीज सर।
जैसे कि 7 मार्च से एग्जाम है, मान लो कि 10वीं में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उनके पास अभी 14 दिन है, उनके 7 सब्जेक्ट हैं, तो 4+3 तो 4 जो सब्जेक्ट हैं उनमें ये कर सकते हैं कि मैथ्स के साथ में कंप्यूटर ले सकते हैं, इंग्लिश के साथ में संस्कृत कर सकता है और साइंस और सोशल साइंस के साथ में वो गुजराती को कर सकता है। तो इस तरह से ये अपने शेड्यूल को 4 सब्जेक्ट में बांटता है, तो हर एक के लिए अभी 3-3 दिन है, उनको सुबह इस तरह से शेड्यूल करना चाहिए कि भाई उनका 10 बजे से एग्जाम सेंटर में जाने का और पेपर लिखने का टाइम है, तो वो हिसाब से वो सुबह में उठता है, वो हिसाब से वो नाश्ता करता है, हैवी कोई लंच नहीं लेता है, और फिर बाद में आने के बाद में वो क्या करेगा पेपर छूटने के बाद, तो अभी से वो शेड्यूल से अगर वो प्रिपरेशन करता है तो उनके लिए वो अलग नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम बोर्ड की है तो एक ही बात है कि कोई अलग सेंटर पर बाहर जाके एग्जाम देनी है, तो अभी आज भी वो एक ही जगह पर एग्जाम देने के बदले घर के कोने में अलग अलग जगह पर बैठकर दे सकता है, कोई अलग स्कूल के अंदर जाके, कोई स्कूल के अलग अलग रूम में जाके एग्जाम कर सकता है, तो इससे क्या होगा कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है सर। ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट्स जैसे 10th और 12th का एग्जाम आता है तो जैसे उनको इतना टेंशन हो जाती है कि इतना कि भाई मैं एग्जाम में अभी कल से मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो एक टेंशन सा फील करता है और जैसे ही वो स्ट्रेस भी बहुत सारा ले लेता है कि भाई एग्जाम का पेपर मुझे लिखना है कल, अभी कैसे मैं दूंगा, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है? एक तो बहुत जरूरी बात यह है कि पेपर कैसे लिखना है, क्योंकि अभी पूरे साल तक उसने पढ़ाई की है, पूरा सब्जेक्ट में सब कुछ वो जानता है, सब कुछ उनका प्रीलिम एग्जाम में एक बार कवर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे घर पे बैठकर भी अभी पूरे 3 कलाक की एग्जाम भी करते हैं, तो वो प्रिपेयर है, लेकिन वो जो थाली, जो खाने की थाली बनने वाली है अभी, जो किसी और को खानी है, उनको सजानी चाहिए, मतलब कि वो अपने आप को इस तरह से बनाए कि भाई मैं पेपर कैसे लिखूंगा, कौन से टाइम पर क्या क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, उसके लिए कितना टाइम मुझे चाहिए। जैसे कि उनको 2 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं 10th में, तो वो लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क के, तो पूरे अगर 3 घंटे के पेपर को मान लो कि हम 3 घंटे में 180 मिनट्स होती है, लेकिन हम अगर 150 मिनट्स का पेपर मान लेते हैं जी, तो भी उनके पास में पर 1 मार्क्स 1.5 मिनट होते हैं जी। तो मतलब कि अगर वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनके पास वो हिसाब से टाइम होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है तो 3 मिनट लगते हैं जी। लेकिन 2 मार्क्स क्वेश्चन में 3 मिनट होते नहीं है, तो वो अपना टाइम सेव करता है वहां पर जी। वो सेव किया हुआ टाइम कहाँ लगा सकता है, तो अगर उनके 4 मार्क के क्वेश्चंस जो है उनमें जो टाइम उनको मिलता है वो टाइम इतना नहीं, इतना ज्यादा चाहिए कि ये टाइम में नहीं कर सकता है, तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में टाइम सेव किया हुआ है वो 4 मार्क के क्वेश्चन में जाके यूज कर सकता है। तो अभी अगर वो प्रैक्टिस करता है तो दिन में ऐसी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि खाली 2 मार्क के 5 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता है, खाली 3 मार्क के 5 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता है, तो उनको फिट हो जाएगा दिमाग में कि कितने टाइम में कितना कुछ कर सकता है, कितना टाइम लगता है और कितना टाइम सेव होता है जी। तो ये थी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं दर्शक मित्रों और स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा जो सब्जेक्ट था कि बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कम समय में कैसे करेंगे आप। सो अभी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा सर कि पेरेंट्स इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चों को कि वो अच्छी तरह से एग्जाम दे पाए। एक तो उनको थोड़ा फ्री माइंड रखना चाहिए, मतलब कि उनका थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, उनका खाने पीने का शेड्यूल अभी से कुछ सेट करना चाहिए, जैसे कि अगर वो 10th में जा रहा है तो मॉर्निंग में जाएगा, तो मॉर्निंग में वो खाना खा के नहीं जाएगा, तो उनको एकदम लाइट फूड सुबह में कुछ नाश्ता किस तरह से, तो अभी से वो अगर सेट कर सकते हैं, बाद में वो जब आफ्टरनून एग्जाम देकर वापस आएगा तभी भी वो अगर कुछ भारी खाना खाएगा तो शाम का पढ़ाई नहीं कर सकता, दूसरे दिन के लिए उनको तकलीफ हो जाएगी, तो ये शेड्यूल कर सकते हैं। उनको कौन से टाइम पर उठाना चाहिए, कौन से टाइम पर उनको सो जाना चाहिए, वो पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स उनको अगर कुछ प्रोवाइड करना है, मतलब स्टेशनरी चाहिए या तो कुछ अभी लास्ट मोमेंट के लिए कोई ऐसा कोई बुक चाहिए, तो वो ला के दे सकता है और उनके साथ में रहता है, क्योंकि कई बार
बच्चे जो डर जाते हैं तो वो अपने रूम में अकेले कुछ करते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो थोड़ी थोड़ी टाइम पर उनके पास जाके उनको जरा हाथ घुमा के, भाई क्या तुझे कोई तकलीफ तो नहीं बेटा, इस तरह से वो उनको हिम्मत बढ़ा सकते हैं जी। और कुछ खाने पीने में उनको ध्यान रखना चाहिए हाँ। जैसे आपने बताया था मुझे, सो वो कैसे रख लेंगे? मतलब हैवी लोड जो खाना हो तो बच्चों को सुबह में भी नींद आ जाती है, आलस आती है जी। तो उनकी जो हर रोज की रूटीन टेव है उससे बदले एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से वो टेव अभी नहीं करनी चाहिए जी। जी मतलब जो रूटीन उनका रहता है सो उससे डिफरेंट कुछ एग्जाम के टाइम में कुछ अलग से उनको एग्जाम और एग्जाम का रूटीन सेट करना जी। सही बात कही आपने। सो अभी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, जो दर्शक मित्र ने हमें पहले से बताया था वो ही मैं क्वेश्चन आपको कर रही हूँ सर, कि अगर मुझे मेरे एग्जाम में कोई भी पेपर मेरा मैं लिखती हूँ सो मुझे उसमें मेरे मार्क्स बढ़ाने हैं तो कैसे मैं बढ़ा सकती हूँ? अभी भी अगर वो जो लास्ट प्रीलिम एग्जाम उसने स्कूल में दी है जी, उससे अगर ज्यादा वो 8-9 मार्क्स 10 मार्क्स और ज्यादा करना चाहता है, परसेंटेज बढ़ाना चाहता है, हर एक सब्जेक्ट में 10-10 मार्क ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो भी अगर वो कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सर 10th के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। मैं उनके लिए 3 टिप्स दूंगा उनको जी, बिल्कुल। जो उनका सप्लीमेंट्री होता है एग्जाम लिखने का, तो जैसे बोर्ड का है वैसा ही वो अगर यूज अभी करता है तो अच्छा रहेगा। अब बोर्ड की जो सप्लीमेंट्री है उसकी जो एक एक लाइन्स है, लगभग 30 लाइन्स एक पेज में होती है, तो एक जो लाइन्स है तो बोर्ड के जो रैंकर स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स ला, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि 65 मार्क्स लाने वाला लड़का या 98 मार्क्स लाने वाला लड़का, लगभग उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, वो एक से होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो कितना कॉन्फिडेंट है, लास्ट मोमेंट पर वो कितना अच्छा लिख सकता है, वो विदाउट चेक चार्ट कितना अच्छा पेपर लिखता है, उससे उनके मार्क्स बढ़ते हैं। तो वो मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर अगर उनकी जो सप्लीमेंट्री है उसमें जो एक लाइन है उनमें अगर चेक चैक विदाउट चेक चैक वो लिखना चाहता है जी। तो बोर्ड के जो रैंकर स्टूडेंट वो क्या करते हैं, तो एक लाइन में खाली 3 या 4 वर्ड लिखते हैं, मतलब कि हर वर्ड के बीच में काफी ज्यादा, मतलब मैं बता सकता हूँ कि एक उंगली जितना अंतर होना चाहिए, डिस्टेंस एक उंगली जितना होना चाहिए, तो 2 वर्ड के बीच में एक उंगली जितना अंतर और एक लाइन में मैक्सिमम 3 या 4 वर्ड, मैक्सिमम ज्यादा तो ज्यादा 5 वर्ड इतना ही उनको लिखना चाहिए। इससे क्या होगा, 2 बातें बनेगी, वो जो वर्ड का कैरेक्टर जो है उसका फॉन्ट साइज है वो अपने आप ज्यादा बढ़ेगा, जितना फॉन्ट साइज ज्यादा मतलब लिखता है उससे एक ज्यादा फॉन्ट साइज हो जाएगा तो लिखाई अच्छी हो जाएगी। हमारे हैंडराइटिंग तो अभी अच्छे नहीं बन सकते लेकिन हमारा लिखाई किसी को समझ में आ जाता है तो भी बहुत काम बन जाता है। ज्यादातर बच्चे एक ही तरह का पढ़ते हैं, मतलब कि या तो वो अभिषेक करते हैं या गाइड करते हैं, तो उनके सबके आंसर एक से ही होते हैं, तो उनको अलग जो करना है मार्क्स अलग जो लेने हैं वो लिखाई से मिलते हैं, तो लिखाई में कुछ चेक चैक न हो इसलिए एक लिटी के अंदर 3 या 4 वर्ड लिखे, सब में बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखे, फॉन्ट साइज कैरेक्टर का साइज ज्यादा बड़ा बनाए जी। इससे क्या होगा कि कोई भी चेक चैक नहीं होगी, क्योंकि अगर वर्ड स्पीड में लिखते हैं और पास पास में लिखते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछते हैं तो 4 क्वेश्चन में से 2 तो बिल्कुल गलत होते हैं, लेकिन 2 आंसर्स ऐसे होते हैं जो एकदम नजदीक के होते हैं और उनमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसी तरह से हर क्वेश्चन पर जो जवाब निकलता है दिमाग से तो ये जवाब में 1 से 2 वर्ड आ जाते हैं, इससे कंफ्यूजन बढ़ती है, और अगर स्पीड में काम करते हैं तो 2 वर्ड एक साथ में आते हैं तो कंफ्यूजन में हम चेक चैक करते हैं जी, तो अगर ये चेक चैक नहीं करनी है तो अगर एक उंगली जितना डिस्टेंस छोड़ेंगे इतने टाइम में 2 में से जो ज्यादा सही होगा वो अपने दिमाग में बैठ जाएगा, तो इससे बिल्कुल चेक चैक बंद हो जाएगी, उनका राइटिंग अच्छा हो जाएगा और इससे उनके मार्क्स बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग 23-24 क्वेश्चन है जिसमें 2-3 या 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 या 4 मार्क के 23 या 24 क्वेश्चंस होते हैं जी। तो अगर हर क्वेश्चन में वो हाफ हाफ मार्क उसके कट होते हैं जी। तो इसका मतलब हुआ कि 12 मार्क्स उसके कट हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो मेरा दिमाग ये चलता है कि अगर
वो 12 मार्क में से वो 8 या 10 मार्क मोर स्कोर करेगा तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। और ये मोर स्कोर करने के लिए मैंने बताया कि भी उनका लिखाई अगर अच्छा हो जाता है तो ये हाफ हाफ मार्क्स अगर कटने बंद हो जाएगी तो भी 12 में से 8 मार्क्स उसके आ सकते हैं। ज्यादातर बच्चों को यही मतलब स्पीड में अगर मेरा टाइम कम हो रहा है ऐसा करके वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में लिखते हैं तो इसी की वजह से ही ज्यादा चिक चाक होती है तो इसकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स आपको टिप्स दी गई है इसी पे आप ध्यान में रखिए और इसी के दौरान आप जो एग्जाम में जा रहे हो तभी ये बहुत ही ध्यान में रखिए कि आपको कैसे पेपर लिखना है सो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट अभी होगा हमारा 12th के बारे में हम बात करेंगे। 12th में कॉमर्स साइंस और आर्ट्स की हम बात करते हैं तो सर उसमें कैसे तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? 12th कॉमर्स जो है उसमें ज्यादातर अकाउंट स्टेट इकोनॉमिक्स वो मैथ्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और वो चार पेपर मेन है और बाकी के दो या तीन उनके इजी सब्जेक्ट्स हैं। तो कॉमर्स के अंदर अगर वो प्रैक्टिस करता है तभी भी वो चार मेजर सब्जेक्ट को ध्यान में रखे और मतलब जैसे मैं अगर मैथ्स करता हूँ तो उसके साथ में एक एक सब्जेक्ट हार्ड है तो उसके साथ में एक सब्जेक्ट इजी रख सकते हैं। मैं अगर एक शेड्यूल बताता हूँ तो उसमें ये है कि मान लो कि मैं सुबह में 8 से 10:30 का एक शेड्यूल स्लॉट लेता हूँ 2.5 घंटे का तो 8 से 10:30 के शेड्यूल के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 to 8:30 फिर 10 मिनट्स का रिसेस ब्रेक जी। फिर 8:40 to 9:10 फिर 10 मिनट्स का रिसेस फिर 9:20 to 9:50 10 मिनट्स का रिसेस फिर 10 to 10:30 तो ये 2.5 घंटे के शेड्यूल में 2 घंटे पूरे पढ़ाई के लिए हुए और 30 मिनट ब्रेक हुए। साइंस ऐसा मानता है कि कोई भी काम हम 32 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। 32 मिनट्स से ज्यादा अगर कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट टूट जाता है ब्रेक हो जाता है तो हमें खुद को ही ब्रेक लेना है और ब्रेक में भी काम कर सकते हैं क्योंकि कोई आलस करने से या कोई आराम करने से कोई काम में हमें एनर्जी नहीं मिलती है जी सर। तो हम ये शेड्यूल कर सकते हैं कि अगर मैं मैथ्स कर रहा हूँ तो 30 मिनट्स तक मैं मैथ्स करूंगा 10 मिनट्स के ब्रेक में मैं कंप्यूटर के 10 एमसीक्यू करूंगा जी। फिर 30 मिनट्स फिर से मैथ्स करूंगा फिर 10 मिनट के ब्रेक में मैं 10 एमसीक्यू करूंगा कंप्यूटर का जी। तो दोनों का काम होता रहेगा तो 2.5 घंटे में से 2 घंटे मैथ्स का काम होगा 30 मिनट कंप्यूटर के 30 एमसीक्यू हो जाएंगे इसमें से मैथ्स का एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और कंप्यूटर का भी खत्म हो जाएगा और कंप्यूटर के लिए मुझे अलग से कोई दिन यूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब मैं मेजर सब्जेक्ट्स जो है उसमें ज्यादा ध्यान दे भी सकता हूँ और जो इजी सब्जेक्ट्स है उसको भी मैं साथ में रखता हूँ उसके लिए कोई अलग शेड्यूल नहीं बनाता। नहीं सर ये आपने जो एमसीक्यू की बात की तो एमसीक्यू से क्या बच्चों को अच्छी तरह से वो मार्किंग ला सकते हैं? मुझे ऐसा मैं सुना है मैंने कि भाई एमसीक्यू की वजह से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो एमसीक्यू इसलिए लाया गया है क्योंकि जो आगे की जितनी भी एग्जाम्स है जैसे कि JEE है नीट है GUJET है CA का शेड्यूल है MBA का एग्जाम्स है तो जितने भी बाहर के एग्जाम्स है वो सब में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं तो उनका प्रैक्टिस कराने के लिए अब मैं 10th से ये सिस्टम बोर्ड में डाला हुआ है। अभी ये साल के लिए लास्ट ईयर है जिसमें 50 मार्क्स के 10th में एमसीक्यू होंगे और 50 मार्क्स के बाकी थियोरी क्वेश्चंस 2, 3, 4 मार्क्स के होंगे। अगले साल से फिर से 20 और 80 हो जाएंगे 20 एमसीक्यू क्योंकि एमसीक्यू में एक गलती ये पाई गई है कि भाई बच्चे उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं और एमसीक्यू के लिए कोई प्रिपरेशन ज्यादा नहीं करते हैं तो फ्लूक मारते हैं और फ्लूक में वो पास हो जाते हैं लेकिन जितने पास हो जाते हैं उससे उनका कॉन्फिडेंस नेगेटिव साइड पर डेवलप होता है जी। और अगर फेल होते हैं तो उनका रीजन एमसीक्यू ही होता है जी। वैसे एमसीक्यू हार्डेस्ट माने जाते हैं लेकिन अगर हम पढ़ाई नहीं करते और फ्लूक मार लेते हैं तो वो इजिएस्ट हो जाता है जी। नमस्कार दर्शक मित्रों एक बार फिर से आप सभी का एक्सोटिक वेब मीडिया में स्वागत करते हैं और एजुकेशन पैनल जिसका आज पहला दिन है आज हम बात कर रहे हैं 10वीं और 12वीं के बच्चों को एग्जाम से पहले क्या तैयारी करनी है। बहुत सारी बातें पंड्या सर ने आप सभी को बताई
कि हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू यू गो टू द साइंटिफिक, किस तरह से आप वर्ड्स को लिख के लाइनिंग में अपना टाइम बचा सकते हो, आप मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हो। पंडित साहब, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि दसवीं और बारहवीं के बच्चे, स्टूडेंट्स इतने वरिड है, स्टूडेंट को जितना टेंशन है उनसे ज़्यादा टेंशन उनके पेरेंट्स का होता है, और हम सभी अभी जानते हैं कि पूरा साल बच्चा जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा वो लोग इस एक महीने में, मार्च महीना यानी सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन, इसी प्रिपरेशन में हम सब लग जाते हैं। तो मेरी ओर से और आप सभी के साथ मैं दर्शक मित्र को ये बात बताना चाहूँगी कि दसवीं की या बारहवीं की एग्जाम का जो हाउ हमने बनाया है इतना ज़्यादा टफ नहीं है, और अगर टफ है भी तो जो मार्गदर्शन आप सब देते हैं, आप सबसे उनको जो बातें पहुंचती हैं, इनसे बच्चे अवगत हो सकते हैं। दो महत्व की बातें जो आपने बताई सर, मैं वापस से एक बार उन बात पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि विद्यार्थी अगर अपना टाइम बचाना चाहता है तो वो शुरू से प्रिपेयर करे कि उसे किस तरह से लिखना है। मैंने एक बार आपकी बातें से ये भी सुना है कि किस तरह से पैराग्राफ करके लिखना चाहिए बच्चों को, तो इस बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा बात बताएं कि किस तरह से बच्चे आगे लिखें जिससे उनका पेपर अच्छा भी हो और वो ज़्यादा वर्डिंग भी यूज़ करके लिख सकें। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, खास करके जो टेंथ में है जी, तो एसएस सोशल साइंस और साइंस, तो उनका सिस्टम ये है कि उनको पॉइंट वाइज लिखना है जी, जी, जी। जैसे मतलब दो मार्क का क्वेश्चन है तो उनको चार सही पॉइंट्स आंसर में करने हैं, पर पॉइंट उनको हाफ मार्क्स मिलता है। तीन मार्क का क्वेश्चन है तो उनको छह सही पॉइंट लिखना है, वो अगर सात लिखते हैं या आठ लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि अगर एक गलत हो गया तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट है कि मेरे छह पॉइंट्स सही है तो उनको सात पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। फोर मार्क्स क्वेश्चन मैक्सिमम में हमें आठ या दस पॉइंट लिखने चाहिए। अब गाइड वाले जो है वो बच्चों को मिसगाइड करते हैं जी। वो लोग क्या करते हैं कि फोर मार्क के क्वेश्चन हर एक में डाल देते हैं। बोर्ड का तो एकदम सही मॉड्यूल है बोर्ड में लिखा। अगर मैं एक बात बताता हूँ कि अगर कोई पूरा चैप्टर तीन मार्क का है, खाली पूरा चैप्टर तीन मार्क का है, और तो तीन मार्क का मतलब क्या हुआ, या तो तीनों एक एक मार्क के एमसीक्यू हो गए या एक दो मार्क का और एक एक मार्क का होगा। अब गाइड वाले वो चैप्टर के अंदर भी चार मार्क के तीन मार्क के क्वेश्चन डालते हैं, और वो भी क्या करते हैं, वो अपना गाइड की साइज बढ़ाने के लिए और क्वेश्चन 19-20 पॉइंट्स डालते हैं जो बिल्कुल यूजलेस है, और बच्चे वो पढ़ते ही रहते हैं, एक ही बात बार बार वो करते हैं। तो उनको ये करना चाहिए जैसे हम बचपन में करते थे कि भाई ये पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट है तो उनको वो टिक मार्क कर देता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो टिक मार्क करेगा, अंदर पॉइंट डालेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है टिक मार्क किया, तीन पॉइंट डाल दीजिए। अब वो अगर चार मार्क की जिसकी तैयारी की है, बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स कहाँ कट होते हैं, दो मार्क के क्वेश्चन क्यों होते हैं कि वो तैयारी प्रिपरेशन उसने चार मार्क के क्वेश्चन की है। अब वही क्वेश्चन दो मार्क में पूछ लिया, उन्होंने तो चार मार्क के लिए गाइड में से 90-20 पॉइंट्स पढ़े हैं, और अब उनको दो मार्क के लिए खाली चार पॉइंट लिखने हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिखे, क्या लिखे? सही बात है। बोर्ड का हर एक प्रिस्क्रिप्ट, जैसे दो मार्क्स के लिए चार पॉइंट लिखने हैं, दो मार्क के लिए एक सप्लीमेंट्री के पेज के अंदर दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तीन मार्क में 75 पॉइंट जैसे एक पेज का जाता है, तो ये सब प्रिस्क्राइब है। मैं उससे ज्यादा लिखूंगा तो भी नेगेटिव हो जाएगा, मैं उससे कम लिखूंगा तो भी नेगेटिव। तो ये सब समझ के अगर बच्चा काम करता है कि भाई मुझे दो मार्क के लिए क्वेश्चन, एक चैप्टर में से चार मार्क का कुछ पूछने वाला है ही नहीं, तो मैं उसके लिए क्यों मेहनत करूं, अगर ये समझ लेता है तो उसकी मेहनत बहुत कम हो जाती है जी। दर्शक मित्र, बहुत अच्छी और बहुत सही बात बताई। अगर स्टूडेंट्स हमारे बात सुन रहे हैं तो मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगी कि अभी भी आपके पास चार दिन, एक सब्जेक्ट के लिए चार से पांच दिन है, आपको जो पढ़ना है उसको रट्टा नहीं मारना है। जैसे सर ने अभी आपको ये बात बताई कि एक चैप्टर अगर चार मार्क के लिए बना गया है, उसमें से आपको बताया गया है कि इतना ही पूछा जाएगा, यू डोंट लर्न, रट्टा मत मारिए और इसी तरह से आप पढ़िए कि एक बार पढ़ लेते हो कोई चीज़। सर मैं ये कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि अगर आप ध्यान से एक चीज़ को एक या दो बार पढ़ते हो
तो आपके दिमाग में फिट हो जाती है, उसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, और जितने मार्क्स का स्कोर करना है उसी तरह से आपको एक एक चैप्टर को महत्वता देनी चाहिए। पर वो नॉलेज खाली परीक्षा के एक दिन में 3 घंटे में उसको देना, सप्लीमेंट्री करना है, तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप होता है, पहले से प्रिपेयर करता है। अब कौन से बच्चे डरते हैं एग्जाम से, तो वो बच्चे लास्ट मोमेंट तक गाइड को नहीं छोड़ते, अपेक्षित को नहीं छोड़ते हैं, पढ़ाई करते रहते, ये रह गया वो रह गया, ऐसे बच्चे डरते हैं। जो 2-3 दिन पहले ही कि भाई मेरा स्टडी खत्म हो गया, अभी मुझे कुछ करना नहीं है, मेरी एकदम प्रिपरेशन फुल है, मुझे जो आगे हुआ है वो सब कॉन्फिडेंट हूं मैं उसके लिए, मेरे टीचर ने जो पढ़ाया, मैंने जो खुद ने पढ़ाई की हुई है उसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत इंटेलिजेंट लड़का अगर एग्जाम के दिन में बीमार हो गया, अगर एग्जाम के दिन में वो डिप्रेस हो गया, और अगर एग्जाम के दिन में उसको कुछ लग गया या उसको तबीयत खराब हो गई, तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो ज्यादा अच्छा ये है कि वो दिन पर वो जितना कॉन्फिडेंट रहे, वो जितना हेल्दी रहे, ये ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप वो जो साल भर पढ़ाई की है वो आएगा ही उसको। बहुत अच्छी बात पंडित सर ने बताई। दसवीं में तो हम आपसे फिर ये बात बताना चाहते हैं कि दसवीं और बारहवीं ये एग्जाम है जिंदगी का कोई अंतिम क्षण नहीं है। आप अपने बच्चों को बहुत आराम से, उन्होंने जो पूरा साल भर पढ़ाई की है उसी पे ध्यान दीजिए, वो बहुत आराम से अगर उसने। सर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी आजकल 11th और 12th 2 साल बच्चे मेहनत करते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स तो 2 साल तक बारहवीं के लिए पढ़ाई करते हैं, तो हम सब यही कहेंगे कि बहुत अच्छी तरह से विदाउट फेयर कोई भी डर के बिना आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए जी। पर डर की हम बात करते हैं तो सर एक डर है, सबको एक डर है। अभी जिन हालात से हमारा ये भारत इंडिया जिस तरह से माहौल जो बना हुआ है, सबको कि शायद अगर एग्जाम हो और कहीं युद्ध हो जाता है, ऐसा आगे कई बार हो भी चुका जी, है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे फिर? बहुत सही बात बताई आपने। मेरे अपने स्टूडेंट लाइफ में एक बार नवनिर्माण आंदोलन देखा है, जो मैं 4th में था, मुझे पास कर दिया गया था, कोई एग्जाम नहीं हुई थी। फिर एक बार दूसरा हुआ था जब अनामत आंदोलन हुआ था, फिर एक बार ऐसा हुआ था जब बोर्ड के पेपर लीक हो गए थे। लेकिन बोर्ड के पेपर लीक हुए, सबने समझ लिया कि अब 1-2 महीने के लिए एग्जाम नहीं होगा। हुआ ऐसा कि खाली 1 वीक के अंदर दोबारा एग्जाम ली गई, और उसमें मिजरेबली हम अटक गए, थोड़े पीछे पड़ गए। तो ये बातों से हमारा कोई अभी आज मतलब नहीं है। हमने स्कूल में प्रीलिम एग्जाम दे दी है, प्रीलिम एग्जाम के जैसा ही ये पेपर है। अगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर खराब सिचुएशन आती है, तो जो हमारे प्रीलिम में स्कूल में स्कोर किए गए हैं उसको काउंट कर दी जाएगी। लेकिन बोर्ड के लिए ये जरूरी है कि बोर्ड की एग्जाम होने ही वाली है, चाहे शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जाम होने ही वाली है। तो हमें ऐसा ही मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एग्जाम देना ही है जी। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सबको ही ये माइंड में रहेगा कि शायद कुछ हो भी सकता है, काश नहीं भी हो सकता है। तो डर जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कह लो। चाहे बच्चों को एक माइंड में ऐसा सेट हो जाता है, फिर वो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये पहले तो ये बता दूं कि ये कोई आसान काम नहीं है। युद्ध बहुत बड़ी परिस्थिति होती है, बहुत बड़ी प्रिपरेशन होती है। 3 सालों की प्रिपरेशन के बाद में कोई एक युद्ध कर सकते हैं, तो अभी ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। और अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तो होता ही रहता है, उससे देश के शेड्यूल में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे गुजरात बॉर्डर स्टेट तो है, लेकिन ऐसा अभी तो कोई सिचुएशन नहीं है कि गुजरात में इससे कोई प्रभावित हो सकता है। सर तो मेरे ख्याल से आज की जो हमारी प्रिपरेशन की बात थी एग्जाम बोर्ड से पहले की और एग्जाम के बाद ड्यूरेशन में जो बात करना चाहते थे हम लोगों ने बहुत कुछ स्टूडेंट्स को बता दिया है। तो नेक्स्ट हमारी सीरीज ये चालू रहेगी, कल भी हमारा ये प्रोग्राम रहेगा, 10th साइंस का होगा, और हमारे साथ ऐसे ही महानुभाव जुड़ेंगे जो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारा फेसबुक पेज जो है वो लाइक करिएगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक करिएगा, और हमारी जो वेबसाइट है उसको भी विजिट कर लीजिए। तो ज़रूरी आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जाते जाते हम
बात करना चाहेंगे। आज हमारा ये पहला दिन है ये वीक का, तो सभी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं सभी को हम लोग तीनों मिलके ऑल द बेस्ट कहते हैं। मैं एक लास्ट बात बच्चों से जी, बोलना चाहूंगा। हम अगर घर पर आते हैं जी, और मम्मी ने चीट लगाया हुआ है प्रीज पर जी, कि भाई तेरे लिए खाना छोड़ा है मैंने, तू खा लेना जी, हम किचन के अंदर जाते हैं जी, और देखते हैं कि भाई इधर उधर सब कुछ पड़ा हुआ है जी, हमें थाली निकालनी पड़ेगी, थाली के अंदर वाटकी रखनी पड़ेगी, ग्लास लेना पड़ेगा, छास लेनी पड़ेगी, शाक अलग अलग से अलग कुछ ना कुछ साथ में लेना पड़ेगा, तो गुस्सा आएगा। इससे सिचुएशन एक और होती है कि हम अगर घर पर आते हैं मम्मी ने फ्रिज पर चीट लगाई है कि भाई तेरी थाली ऊपर रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो तू खा लेना, तो हम जाते हैं टेबल के पास में तो थाली बिल्कुल तैयार है, थाली के ऊपर, थाली ऊपर से उठाते हैं, अंदर सब सब्जी वब्जी एकदम पीसी हुई तैयार है, बाजू में ग्लास में पानी, बाजू के ग्लास में छाछ है, तो हम खुश होते हैं, मम्मी जाती है उसका दुख नहीं होता है, क्योंकि ये थाली सजाई हुई तैयार है। तो हमें कौन सी थाली पसंद आएगी, जो मम्मी ने सजाई वो, कि जो हमें खुद बनानी पड़ेगी वो सजाई हुई, वही तो सजाई हुई थाली हमें भी देनी है बच्चों, जी, जी। सजाई हुई थाली देनी है, जो चेक करने वाले पेपर वो बाहर के लोग हैं, हमारे स्कूल के टीचर नहीं है, तो उनको वो पसंद आना चाहिए, वो थाली पसंद आनी चाहिए। तो जितना अच्छी तरह से हम अपनी थाली को डेकोरेट करेंगे, मतलब कि अगर मैथ्स है तो बॉक्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर जब खत्म होते हैं जो आंसर आ जाता है तो उसको बॉक्स बना देते हैं, सोशल स्टडी और साइंस है तो उसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, जितनी जगह इसके अंदर लिखते हैं, खाली खाली जगह नहीं छोड़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर अगर 3 लिखते हैं तो 3 के जितने क्वेश्चन है उसको इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन 3 के क्वेश्चन वही खत्म होने चाहिए, अगर एक आध छूटता भी है तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। तो 3 का क्वेश्चन बाद में अगर आता है तो भी वही 3 नंबर के क्वेश्चन के जो साथ में ही वो लिखेंगे, पीछे एकदम लास्ट में नहीं लिखेंगे, अगर लास्ट में लिख भी दिया है तो उसका पूरा सूचना लिखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने वहां पर इस ये वजह से लिखा है। तो अगर जितना थाली सजा के करेंगे तो इतना मार्क्स आएगा ज्यादा, और मैंने बोला कि 65 वाला हो या 98 वाला हो, आगे पीछे इसलिए होता है कि वो थाली सजाई जो अच्छी सजा के रखता है वो आगे निकल जाता है, बाकी सब एक ही लेवल के होते हैं। तो अगर लेवल बढ़ाना है, मार्क्स बढ़ाना है, तो उनको थाली सजा के रखनी पड़ेगी। जी, तो सभी को, सभी स्टूडेंट्स को हम ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से आप परीक्षा में आगे बढ़िए, अच्छे से मार्क्स लाइए, और हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सोटिक एजुकेशन गाइड में, फिर से मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।